तमंचे से आतंकित कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक नाबालिग सहित चार बदमाशों को शिवपुर पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से लूट की मोबाइल, देसी तमंचा, लूट के पैसों में शेष बचे 8,590 रुपए नगद और किराए पर लिया हुआ कार बरामद हुआ। घटना का खुलासा डीसीपी वर्णा जोन और एसीपी कैंट विदुत सक्सेना ने पुलिस लाइन स्थित अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया। डीसीपी वर्णा जोन ने प्रेस वार्ता में बताया कि चारों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। 2 फरवरी की शाम को इन्होंने कादीपुर निवासी दिलीप कुमार सोनकर के छोटे भाई साहिल को गांधुपुर रिंग रोड काशी लान के पास कट्टा दिखाकर जबरदस्ती कार में बैठाया और मारपीट कर बैग में रखे करीब 25,000 रुपए और उसमें एटीएम का पिन पूछकर बड़ा गांव स्थित एटीएम से 20,000 रुपए निकाल लिए। सुबह लगभग 4 बजे साहिल को आरोपियों ने कार से ले जाकर काशी धाम लान के आसपास ही रिंग रोड पर घायल अवस्था में छोड़कर भाग निकले। शिवपुर पुलिस ने मुखबिर व सर्विलांस टीम की मदद से एक बाल अपचारी समेत कुल 4 आरोपी को अलग अलग स्थानों और समय में पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों में आशिक अंसारी निवासी रसूलपुर थाना बड़ा गांव, आफ्ताब निवासी रसूलपुर, प्रेमनाथ पटेल निवासी कृष्णापुर कला और एक बाल अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। एडीसीपी ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि हम 4 लोग तथा छोटू पांडे हम 5 लोग आपस में मित्र हैं तथा 2 फरवरी की शाम को योजना बनाकर हमने काशीधाम लान रिंग रोड दांदूपुर के पास एक व्यक्ति को खट्टा दिखाकर डरा धमका कर किराए की गाड़ी होंडा अमेज में उसको बैठाकर पूरी रात रिंग रोड तथा अन्य जगहों पर घुमाते व मारते रहे तथा ग्राम रसूलपुर के पास ले जाकर सुनसान जगह पर उस आदमी को डंडा व राड से खूब मारे पीटे और उसका 25,000 रुपया नगद लूट लिया तथा उसको मार मार कर उसके एटीएम का पिन कोड पूछ कर उसके एटीएम कार्ड से 20,000 रुपए बड़ा गांव के एसबीआई एटीएम से निकाल लिए थे और उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया था। उसके बाद उसको रिंग रोड पर 4 बजे भोर में अधमरा छोड़कर भाग निकले। थाना शिवपुर में दिनांक 2 फरवरी 2024 में वादी दिलीप कुमार सोनकर के साथ लूट की घटना हुई थी। इसमें स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की कर आज 4 अभियुक्तों की गिरफ्तार की गई है, जिनके कब्जे से एक 315 बोर की अवैध कट्टा, एक मोबाइल जो छीना गया था लूट में और 8,590 रुपये नगद और साथ ही साथ एक होंडा अमेज जो गाड़ी घटना में यूज़ हुई थी वो भी बरामद हुई है। ये इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से एक जुवेनाइल है, एक नाबालिग है और बाकी अभियुक्तों का नाम है आशिक अंसारी, आफ्ताब और प्रेमनाथ पटेल। ये तीनों थाना बड़ागांव का रहने वाले हैं। अभी तक जांच में ये पाए गए हैं ये इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है कि नहीं वो देखा जा रहे हैं और साथ ही साथ जो नाबालिग बच्चे हैं उनको भी सक्षम अधिकारियों की कस्टडी में दिया जाएगा और इसमें आगे के लिए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।